अगर आप एनसीसी के ए बी या सी सर्टिफिकेट में से किसी भी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो रिटर्न टेस्ट होता है उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो उसी के लिए मेरे पास एक एनसीसी के हैंडबुक है जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि ए बी और सी सर्टिफिकेट के लिए कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए, और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैं बताऊंगा कि ये बुक कितनी यूजफुल है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस बुक का प्राइस क्या है, और ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए और एनसीसी में भी कौन कौन से टॉपिक्स जो उसका रिटर्न एग्जाम होता है उसमें आते हैं। तो इस बुक का पूरा कंप्लीट रिव्यू होगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को तो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से थोड़े वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे, बट आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे चीज़ें करवाऊंगा, डोंट वरी, बस मेरा एग्जाम हो जाए उसके बाद अपन को वीडियोज़ पर ही काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एनसीसी का एग्ज़ाम होता है जनरली फेब के मंथ में होता है, ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, तो उन 4 से 5 महीने में अगर आप ए सर्टिफिकेट के कैंडिडेट हैं तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बी के भी हैं तो कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, सी के भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक हैंडबुक होनी चाहिए। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ, जो हमारे पीआई स्टाफ आते हैं जो हमको ड्रिल वगैरह सिखाते हैं वो हमको पढ़ाते भी हैं, बट स्टूडेंट्स या हम कैडेट्स क्या करते हैं कि वो एक नोटबुक नहीं बनाते जिसमें वो नोट्स नहीं लिखते हैं, तो ये उनके लिए है जो नोट्स नहीं बनाते, बाकी मैं कहूँगा जो नोट्स बना लेते हैं तो उनका सारा कवर हो जाता है। बट फिर भी क्योंकि एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट का मेरा एग्जाम हुआ था वो लगभग 500 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से 150 मार्क्स का हमारा हुआ था ड्रिल टेस्ट हुआ था, उसमें हमारा मैप रीडिंग हुआ था, उसमें हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट हुआ था और वेपन का खोलना जोड़ना हुआ था। तो ये 5 चीज़ें होती है जो 150 मार्क्स में हुई थी, बाकी बचे 350 मार्क्स, तो उसमें रिटर्न हुआ था। 350 मार्क्स का पेपर था, 2 से 3 घंटे का टाइम था और काफ़ी लेंदी रहता है, कह सकते हैं पेपर तो बड़ा था बट ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव भी होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो उसमें अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स वाला ज़्यादा हमारा मेजर पोर्शन होता है, तो हमारा रिटर्न का जो अल्फा ग्रेडिंग है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू जो 150 मार्क्स का बचा है हमारा वो। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा रिटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये जो मेरे पास है एनसीसी की एक हैंडबुक है जो कि ए बी और सी तीनों सर्टिफिकेट्स के लिए रहती है, जिसको कैडेट्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में इस बुक में मॉडल प्रश्न पत्र भी है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक में बताऊंगा कि जो हमारा मेन कंटेंट होता है एनसीसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो एनसीसी की एक दृष्टि में यानी कि एनसीसी के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कब स्टार्ट हुई, किसने की, अभी क्या स्थिति, कितने कैडेट जुड़ चुके हैं, फ्लैग को एक्सप्लेन करो, इसमें सीनियर डिवीज़न जूनियर डिवीज़न क्या होता है, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हर एक कैडेट को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक सिर्फ ए सर्टिफिकेट के लिए, सभी कैडेट्स के लिए, ठीक है। सेकंड जो है ड्रिल एवं कमांड्स, ओके, ड्रिल और कमांड्स के ऊपर जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम प्रैक्टिकल अब जब हम करेंगे ड्रिल तो उसमें आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सशस्त्र प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, .22 राइफल का, इंसास राइफल का, इस तरह से कुछ राइफल्स जो हमारे एनसीसी कैडेट्स को अलाउ है उसके बारे में जानने को और सीखने को मिलेगा, स्पेशली जो हमारे .22 राइफल है वो, क्योंकि उसमें हमारी फायरिंग भी होती है। हमारा टॉपिक है मानचित्र अध्ययन, मैप रीडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्र एवं युद्ध कौशल, जिसे हम फील्ड क्राफ्ट या बैटल क्राफ्ट भी कह सकते हैं, क्षेत्र अभियांत्रिकी, बाधा प्रशिक्षण एवं साहसिक क्रियाकलाप, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है, ओके, सामाजिक ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, योग एवं आसन, ग्रह परिचर्या, शारीरिक मुद्रा प्रशिक्षण, आत्मरक्षा, पर्यावरण एवं परिस्थिति की, रक्षा सेवाओं में जीवन वृत्ति, रक्षा सेवा चयन, परीक्षा एवं साक्षात्कार, सामान्य ज्ञान आदि। तो इस तरह से कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो कि ए बी सी सर्टिफिकेट तीनों में आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा, जो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है बेसिक होता है, ठीक है, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी सी सर्टिफिकेट लेवल की दी है, इवन और ज़्यादा दी गई है, बट मैं इतना ही कहूँगा कि जो ए सर्टिफिकेट होता है उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं तो ए सर्टिफिकेट के साथ आपको ये बी में भी काम देगी और सी में भी काम देगी, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके साथ ये बुक आप किसी दूसरे कैडेट को भी दे सकते हैं जब आपके एनसीसी कंप्लीट हो जाए, तो काफ़ी सारे बेनिफिट है इस बुक के। तो अभी जस्ट मैं आपको इसका एक प्राइस बताऊंगा, इसको मैंने परचेस किया था, इसके अंदर लिखा तो है 130 रुपीज़, ओके, तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं ना इसका 130 प्राइस है, ये जनरली आपको 110 में मिल जाएगी मार्केट में। कहाँ मिलेगी? ओके बुक डिपो हो गया, आपकी कोई स्टेशनरी होगी, जो बुक्स के एमपी पब्लिशर हो गया, जो भी किसी तरह की आपके पास में स्टेशनरी ये बुक्स वगैरह आती है वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पर आप आर्मी से रिलेटेड बुक वगैरह परचेस करते हैं से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक
बात और कहना चाहूँगा, अगर आप रियली एनसीसी कर रहे हैं तो आई थिंक आपको परचेस करनी चाहिए और साथ में इस बुक को एक बार तो पूरा ख़त्म कर ही देना चाहिए पढ़ के। साथ में इसके आप इसके नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने इसे फर्स्ट ईयर में कर लिया, अगर आप न्यू एडमिशन लिए तो सेकेंड और थर्ड ईयर में रियली बहुत मज़ा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेस्ट आपको जो भी पढ़ाएंगे उससे पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब बात करते हैं उन कैडेट्स की जो इसे परचेस नहीं कर सकते या फिर नहीं करेंगे। लाइक मैंने भी ये परचेस नहीं करी, ये मैंने फ्रेंड से लिए। मैं तो जब सारी क्लास रेगुलर अटेंड करी थी, मैंने सारे वहीं पे नोट्स बना लिए थे। बाकी शौक था तो अपन इधर से पीडीएफ का अरेंजमेंट कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट फिर भी मैंने इसे ले लिया है क्योंकि मुझे पढ़ना था, तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने लिया है। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नहीं भी परचेस करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी पीडीएफ है, जो एक एक टॉपिक है, मतलब ज़्यादा इसके पीडीएफ में काफ़ी सारे पेजेस है बुक में, तो बट मैं इसके छोटे छोटे टॉपिक्स का पीडीएफ बनाऊंगा और अपना जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा। साथ में इसकी अभी मेरा एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं आपको क्लासेस का टाइम बता दूंगा, उस टाइम पर इसकी क्लासेस लूँगा जिसमें हम इसके सारे में पूरी बुक को रीड करेंगे। ओके, तो इससे आपका भी बेनिफिट हो जाएगा, आपको भी सारा नॉलेज हो जाएगा, जिनके पास बुक नहीं है उनका फ़ायदा भी और मेरा भी रिविज़न हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको ये परचेस करना तो इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं भी करते तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बुक काफ़ी पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी कोई कमेंट है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो अभी सीधे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।